दिल्ली सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए 11 जुलाई से पौधारोपण अभियान शुरू करेगी। बता दें कि इस बात की जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं दिल्ली में लगातार जो काम हो रहा है उसका असर दिल्ली के पर्यावरण में दिख रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमने समर एक्शन प्लान शुरू किया था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब इसका इफेक्ट अब अलग अलग मौसम में भी हो रहा है, लेकिन अगर अब इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका परिणाम भयानक होगा। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली के अंदर सभी विभागों के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों के सहभागिता से दिल्ली में जो लगातार काम हो रहा है उसका प्रभाव दिल्ली के पर्यावरण पर दिख रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद जो लगातार प्रयास हुए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे वो वृक्षारोपण के क्षेत्र में हो, चाहे दिल्ली के अंदर अवेयरनेस कैंपेन के क्षेत्र में हो, उसका परिणाम ये हुआ है कि दिल्ली में लगभग 30% प्रदूषण का स्तर कम हुआ है पिछले सालों की तुलना में। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से पहले हम इंटर एक्शन प्लान बनाते थे जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता था, लेकिन पिछले साल से हमने दीर्घकालिक योजना के तहत समर एक्शन प्लान पे काम करना शुरू किया। हमने इस साल का समर एक्शन प्लान 14 सूत्री घोषित किया था। समर एक्शन प्लान का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु है, वो है वृक्षारोपण अभियान। जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर सर्दी हो रही है तो इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त करने से बाहर है। इस साल गर्मी हुई तो इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। अभी पहली बारिश दिल्ली में हुई है और लोगों का कहना है कि ये इतनी तेज बारिश हुई कि वो बादल फटने की घटना की तरह हुई। तो जो ये पूरे दुनिया के अंदर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका अब शार्प इंपैक्ट अलग अलग मौसम में दिखने लगा है।